नमस्ते। आज हम बनाएंगे कुछ अलग सा नमक। जो ये नमक एक होगा, काम बहुत सारे होंगे इसके। मैंने खाने वाले चम्मच से, इसी चम्मच से 6 चम्मच ये लिया है, और 4 चम्मच हमारा ये काली मिर्च है, और ये 8-10 लाल मिर्ची है। हम इसको क्या करेंगे, पहले तो एक मोटे तले के बर्तन में, फ्राई पैन में या कढ़ाई में डाल लेंगे। ये हम सारा ही डाल के गैस पे इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का रोस्ट करना है, जिससे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो चलिए गैस पे इसको पहले रोस्ट करते हैं। देखिए, हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है, और ये अब गरम होने पे हो गया है कढ़ाई, और अच्छे से इसको भूनेंगे ब्राउन, हल्का सा ब्राउन होने तक। और फिर इसको ठंडा करेंगे और इसको पीसेंगे। मतलब कि ये जो बना रहे हैं नमक, इस नमक से कई सारे फायदे हैं, जैसे कि हम रायता में, चाट मसाले पे और पूरी बना रहे हैं, हमें जल्दी होता है कि मिर्ची मसाला ज़्यादा डालना पड़ता है, तो उसमें सिर्फ इसी को 1 चम्मच डाल के, जितना आपकी पूरी की क्वांटिटी हो डाल के, और हल्का सा मोइन करके और फटाफट भून के आप पूरी बना लीजिए। इससे पकौड़ियों में डाल लीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो हम इसको हल्का सा भून लेंगे पहले। का कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छा भुन गया है, और अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। गैस मैंने बंद कर दिया। अब इसको ठंडा होने का वेट करेंगे, और जब ये बिल्कुल ठंडा होगा तभी हम इसको पीसेंगे। गरम गरम में नहीं पीसना है इसको। तो फिर इसको ठंडा होने देते हैं, 10-15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए ठंडा हो गया है बिल्कुल, और मिर्ची भी देखिए ठंडा होने के बाद कैसे आराम से टूट रही है ये। और आपको अगर मिर्ची कम करना है तो मिर्ची कम कर सकते हैं, काली मिर्च रहने दीजिए, मिर्ची कम कर लीजिए। अब इसको मिक्सी एक जार लेंगे, इसे मिक्सी जार में डाल दिया है। अब मिक्सी ध्यान रखें, आप जब भी पीसें तो मिक्सी जार आपका बिल्कुल सूखा हो, गीला बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो इसमें नमक पड़ेगा तो पिघलने लगेगा ये। तो इसलिए बिल्कुल मिक्सी जार को सूखा के ही लेना है आपको। अब इसको बारीक, बिल्कुल बारीक हम पीसेंगे। तो चलिए पीसते हैं इसको। तो देखिए ये कितना बारीक सा अच्छे से मैंने पीस लिया इसको। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं किसी भी डिब्बे में बंद करके, और नहीं तो कम से कम इतने में, कम से कम आपका 1 से 1.5 किलो तक का नमक बनके कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं भी बनाती हूँ आपके सामने। तो देखिए ये मेरे पास काला नमक है, आप चाहें तो इसका यूज़ करेंगे, तो ये बहुत तेज़ होता है। तो आप 100 ग्राम अगर इसको भी पीस कर डालेंगे तो बहुत सारा नमक बन जाएगा। मैंने पीसा हुआ लिया है, तो 100 ग्राम मैंने ये काला नमक डाल दिया इसके अंदर। कम से कम मैं इसमें 10 चम्मच डालूँगी सादा नमक। आप चाहे तो सादा नमक कम कर लीजिए और काला नमक ज़्यादा कर लीजिए। मैं चाहूँ तो इसमें और भी नमक डाल सकती हूँ इसके अंदर, पर प्रॉपर मैं इतना मिला के रख दूँगी डिब्बे में। और अगर हमें ये तेज़ लगेगा नमक, तो आप अपने हिसाब से इसमें काला नमक और सादा नमक और मिक्स कर लीजिए। आपको लगेगी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है ये नमक, इसमें जो मसाले हमने काली मिर्च और जीरा वगैरह डाला है, तो आप इसमें और सादा नमक मिला लीजिए और काला नमक मिला लीजिए, ये बहुत सारा नमक। और आप इसको 1 साल तक बना के स्टोर करके रख सकते हैं, ये 1 साल से ज़्यादा भी चल जाता है। तो आप ऐसे मिला के इसको रायते पे, चाट में, जिस पे चाहे उस पे, आप भल्ले पापड़ी पे आप इस नमक को कंप्लीट करके रख लीजिए। जब मर्जी आप कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं इसको। तो देखिए हमारा नमक ये बन के कम्प्लीट हो गया। अब इस एक डब्बे में बंद करके, जिसमें हवा ना जाए, उसको अच्छे से बंद करके रख दीजिए। तो देखिए ये हमारा चाट मसाला बन के तैयार हो गया है। रायते में डाल के भी खा सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।